अबे लौंडा नजर नहीं आ रहा मोटरसाइकिल वाला, कहाँ रह गया वो? हो सकता है आता हो। अबे आ गया साला, ये पकड़ो इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको। किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? अरे अम्मी आप तो मत रोए, सब ठीक हो जाएगा। इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ज़ुबैदा माजी, अम्मी आप तो खुद को संभाले, वो ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची को मत जाने दो। ज़ुबैदा माजी, ज़ुबैदा माजी, ज़ुबैदा माजी, क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी आप देखिए क्या हो गया? अम्मी क्या हो गया? गाड़ी जाओ, जल्दी से इनका इनहेलर ले आओ। हाँ मैं ला रही हूँ, आप इनका। अम्मी, अम्मी आप उठे। या अल्लाह तेरा शुक्र है आप लोग आ गए। रेहान आंटी अम्मी को देखे। क्या हुआ, क्या हुआ खाला को? वो उन्हें दौरा पड़ा और ज़ुबैदा बाजी की तबीयत भी बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। चलो चलो कार। वो कमरे में आ जाए, आ जाए। भाभी ये डॉक्टर साहब हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज देखें इनको क्या हुआ है। प्लीज आप लोग जरा हटिए, मुझे इनहेलर दीजिए। Just relax, 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 please relax. नहीं देने, बाहर ले जाकर लेटाओ। डॉक्टर साहब आप प्लीज ज़ुबैदा को देखिए, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। ठंडा पानी जी, मैं ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब ये सलीम है, आपने कंपाउंडरी के लिए किसी से कहा था? हाँ हाँ मैंने कहा था। हाँ मिया, कहाँ काम किया पहले आपने? दरअसल एक सीडी शॉप में काम करता था मैं, और वहाँ से अचानक। लेकिन ये तो क्लिनिक है मिया, सीडी शॉप में और क्लिनिक में बहुत फर्क होता है। जी मैं जानता हूँ, दरअसल मैंने मेल नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हो? लगा तो लूँगा, लेकिन भाई लेकिन वेकिन क्या होता है, ड्रिप लगा लेंगे ना। डॉक्टर साहब लगा तो लूँगा, दरअसल काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन ये कि काम करूँगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा। आले रजा, इनको अपने साथ ले जाएँ और इनको काम समझा दें। भाई अगर अच्छा लड़का है और शरीफ लड़का है, होशियार है, तो रख लीजिए इनको। सुबह में आओगे या शाम में? क्या मतलब? क्लिनिक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहती है। आ तो मैं दोनों टाइम सकता हूँ, लेकिन अगर तनख्वाह वगैरह ठीक मिल जाए तो। देखो मिया, ये मिडिल क्लास इलाका है और छोटी सी क्लिनिक है। हम लोगों का काम इंसानियत की खिदमत करना है भाई। एक वक्त आओगे तो 3,500 रुपये मिलेंगे, और अगर दोनों वक्त काम करोगे तो 7,000। मंजूर है आपको? जी मुझे मंजूर है। ठीक है भाई, ये आले रजा है ना, इनकी सरकारी अस्पताल में जॉब हो गई भाई, 10-12 दिन तो आप हैं ना यहाँ? जी जी। बस तो ठीक है, इनको आप अच्छी तरह काम समझा दें और जो भी मामला है तय कर लें। वैसे भी हम यहाँ 10-15 दिन ही हैं, हमने दूसरी जगह क्लिनिक देखा है, और हो सकता है 1-8 हफ्ते में हम लोग शिफ्ट हो जाएं। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अम्मी तो अब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब है ज़ुबैदा? शी इज परफेक्टली ऑल राइट, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, बस इनको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है।
लेकिन इसे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, कमाल ने मुझे बताया था कि ये बस से गिर गई थी तो कुछ रगड़ वगैरह लग गई है। अगर आप लोग फौरी टेटनेस का इंजेक्शन लगवा देते ना तो फिर ये बुखार ना होता। अब इनको बिल्कुल आराम करने दीजिए, 2-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसकी ऐसी हालत देख के हम सब के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। बस आप इनको थोड़ा आराम करने दीजिए, मुकम्मल बेड रेस्ट, कोई काम वगैरह मत करवाइएगा। थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है और मेरा ख्याल है कुछ खौफ वगैरह भी है। कमाल ये मैं दवाई लिख रही हूँ, इधर तुम जाके ले आओ, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर आमना। भाभी आप डॉक्टर साहब को चाय वाय पिलाएं, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं कमाल, मैं चाय नहीं पीती, तुम ये दवाई लेके आओ, जब तक मैं इनकी अम्मी को चेक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको खुद छोड़ कर आऊँगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम दवाई लाओ फिर मैं इनको जब तक चेक करती हूँ। कमाल थैंक यू वेरी मच, तुम सही वक्त पर आ गए। आप इनके ठंडे पानी की पट्टियाँ रख दीजिए जब तक बुखार कम ना हो, ठीक है? जब तक मैं मम्मी को दिखा। आओ जीतने की जस्तजू में हम लोग खेल